गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास सेवन हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री. क्या नाम है हमारी पाठ्य पुस्तक का? नाम मैत्री है. पाठ दो चच्चा छक्कन ने केले खरीदे. पाठ का क्या नाम है? चच्चा छक्कन ने केले खरीदे. छगन नहीं है, छक्कन है. क्या है ये? छक्कन ने केले खरीदे अपने पाठ का नाम है. इस पाठ में बेटा ये बताया गया है कि मनुष्य अपनी भावनाओं और लालसाओं और इच्छाओं को छिपाने का हर संभव प्रयास करता है, परंतु मौका आते ही उसका लालच किसी न किसी रूप में बाहर आ जाता है. प्रस्तुत हास्य कहानी में इम्तियाज अली ने चच्चा छक्कन के माध्यम से मनुष्य के इसी स्वभाव को चित्रित किया है. चच्चा छक्कन ने केले खाने की लालसा, किस चीज़ को, कौन सी चीज़ खानी थी उनको? केले. यानी पूरे परिवार के लिए केले लेके आए थे, एक 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 करके चच्चा छक्कन ने पूरे केले खा लिए. इस केले खाने की लालसा उन्हें तरह तरह के बहाने बनाने में मजबूर कर दिया और पूरे परिवार के हिस्सों के केले खुद अकेले ही खा गए. इस चैप्टर में ये है. अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया. बिंदु कौन था? घर का नौकर, जो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए. हम तो 3 आने दर्जन देंगे. कितने आने दर्जन देंगे? 3 आने. देता है तो दे, नहीं तो देता है तो दे, न देना तो न दे. यह वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश. ये कौन बोल रहा है? काका चच्चा छक्कन बोल रहे हैं अपने बिंदु से. बिंदु जो नौकर उसको बार बार वो तो भावतार कर रहा है ना, उसी को बोल रहे हैं. फिर वो बिंदु जाके केले वाले को या फल वाले को वो बता रहा है. बिंदु असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा. चच्चा बोले, अब जाकर कह भी दो, सही मान जाएगा. बिंदु जाने से कतरा रहा था. बोला, आप खुद कह दीजिए. चच्चा ने जवाब में आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा. वह बेचारा डर गया, मगर वही खड़ा रहा. चच्चा को उसका असमंजस से पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ. उसे तर्क का रास्ता समझाने लगे. तू जाकर यूँ कह, मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत भाव कर दिया. अभी नौकर को भी झूठ बोल रहा है कि तू है ना ऐसे बोल रहा है, उन्होंने तो ऐसे ही बोला था, लेकिन मैंने गलत सुन लिया, इसलिए मैं आपको ये भाव बता रहा हूँ. 3 आने दर्जन देने को हो तो दे जा. बिंदु दिल कड़ा करके चला गया. चच्चा जानते थे भाव ठहरा कर उससे मुकर जाने पर केले वाले शोर मचाएगा. यानी भाव ठहरा कर वापस मुकर जाने पर केले वालों को हर्ट होता है, मतलब कोई भी फ्रूट्स वाला या कोई भी चीज़ वाला, उनको दुख होता है और वह ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है यूँ, मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है. बाहर निकलना युक्तिपूर्ण ना मालूम होता था. दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्योड़ी में खुलती थी, यानी बाहर आंगन में या बाहर गली में खुलती थी, वहाँ पर उसका पट जरा सा खोल कर बाहर झाँकने लगे. यानी खुद अंदर घर के अंदर ही है, लेकिन वो उसकी फल वाले की और उस बिंदु की वार्तालाप को सुनने वो खिड़की में चले गए. दबे पांव अंदर गए और कमरे की खिड़की ड्योड़ी पर खुलती थी, उसका जरा सा खोल कर बाहर झाँकने लगे. फल वाला गर्म हो रहा था. आपने ही तो भाव ठहराया और अब आप ही जुबान से फिर गए, बहाना नौकर की भूल का. यानी बिंदु कौन था? नौकर. बहाना किसका था? नौकर का. जैसे हम समझ नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा. बिंदु गरीब चुप करके खड़ा था. बिंदु कैसा था? गरीब चुप करके खड़ा था. फल वाला बकता झपकता खोचा उठाकर चलने लगा. यानी खोचा यानी जो उसका सामान उसमें पड़ा था, वो डलिया इतनी बड़ी बकेट होती है, उसको लेकर चलने लगा, जाने लगा. बिंदु भी अंदर आने को मुड़ गया. वह दरवाजे पर तक पहुँचने न पाया था कि फलवाला रुक गया.
खोंचा उतार कर बोला, कितने लेने हैं? बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। यानी वो फटाफट जाके उस जोड़ी से, उस खिड़की से, अपने जहाँ से वो बैठते हैं मुंडा लगा के, यानी सीखों की या लकड़ी की जो एक बैठने की चारपाई बनती है, मुंडा उस पर जाकर बैठ गए और हुक्का पीने लगे जैसे इन्हें कुछ मालूम भी नहीं हो। चौंक कर बोले, मान गया? हम कहते थे ना मान जाएगा, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं। हम इन लोगों की, जो मतलब फ्रूट्स वाले होते हैं ना, बेचने वाले, फेरी वाले, उनकी नस नस से वाकिफ है। कौन? चचा छकन। तो के केले लेने मुनासिब होंगे? चचा ने उंगलियों के पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया, यानी सदस्य जितने घर के सदस्य हैं उनके हिसाब से सबके के केले लेने हैं। इसलिए उन्होंने हिसाब कैसे लगाया, देखो हम आप, यानी मैं और छुटन ने, मैं और बिंदु, छुटन की माँ, लल्लू, गद्दू, बिनो और छुटन, एक हम आप, छुटन की माँ, लल्लू, गद्दू, बिनो और छुटन, यानी सात जनों के हिसाब से उसने केले लिए। गोया छह दूनी क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे, 12, यानी एक दर्जन। फिर आदमी दो केले बहुत होंगे, यानी एक आदमी के दो केले बहुत होंगे, दो केले एक आदमी के हिसाब से लिए उसने। फल से पेट तो भरा नहीं जाता, मुंह का स्वाद बदला जाता है, पर देखियो दो तीन गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप उसमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। यानी खुद बाहर नहीं जा रहे हैं, वो नौकर को ही, मतलब बिंदु को ही सब कुछ बता रहे हैं कि तू अंदर लेके आ, मैं उसको देख के फिर लूँगा। फल वाले ने शिकायत की, सदा लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चिकियों का अध्ययन किया और दर्जन भर अलग कर लिए। यानी कहीं गले में तो नहीं, उस केले को दबा दबा के देखा, कहीं गले में तो नहीं, गले में वो तो नहीं लेगा, अच्छे होने चाहिए तभी वह खरीदेगा। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा वो गया। चचा ने बिंदु की ओर रुख किया, ले इन्हें खाने की दलिया में हिफाजत से रख ले, यानी सही सलामत रख दे इसको, अच्छे से दलिया यानी छोटी सी बकेट उसके अंदर डालकर रख दे, रात के खाने पर लाकर रखना, और जल्दी से आकर बर्तन मारने के लिए राख ला, और बड़ा समय नष्ट हो गया इस सौदे में। यानी कौन सा समय, क्या काम था उसे? बर्तन मारने का काम था, उसे इमली मंगवाई थी खुदवाने की, और घर के सब बर्तन मारने के लिए उस बिंदु को कह रहा था। अब ये भाव तोल के चक्कर में उनका समय नष्ट हो गया। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने में राख लाकर बर्तन मारने लगा, यूं जरा जोर से, मतलब उस बिंदु को बोले जरा जोर से बर्तन साफ कर, ताकि बर्तन पर रगड़ ना पड़े। इस तरह पीतल के बर्तन साफ करने के लिए ज़रूरत इस बात की होती है कि इमली के प्रयोग से पहले बर्तनों को एक बार खूब अच्छी तरह मांझ कर साफ कर लिया जाए। ऐसे सब बर्तनों की सफाई के लिए इमली निहायत लाजवाब नुस्खा है, लेकिन हम जैसे अब विम बार से वगैरह मांझते हैं बर्तन साफ करते हैं, या पीताम्बरी से, पहले के ज़माने में, ये बहुत पुरानी कहानी है, पहले के ज़माने में लोग इमली को भिगो के रखते थे, फिर उससे पीतल के या स्टील के बर्तन मांझते थे ताकि बर्तनों में चमक रहे। अब हम पीताम्बरी और विम बार से मांझते हैं। गिरह से बांध रख, किसी रोज़ काम आएगा, यानी किसी में डाल के रख दे वापस, वो काम आएगी। और पीतल ही क्या, जिक्र धातु के सभी सामान इमली से दमक उठते हैं, यानी चमक उनमें आ जाती है, इमली से बर्तन मारने पर उनमें चमक आ जाती है। अभी अभी तू आप देखियो कि इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आती है। हाँ, और वह मैंने कहा केले एहतियात से रख लिए हैं ना, यूं बस मंच गया, अब रगड़ उस पर इमली इस तरह, देखा मैं किस तरह हटपटता है, कैसी चमक आती जा रही है। यह इमली सचमुच बड़ी चीज है, मगर बिंदु मेरे भाई जरा उठियो तो, उन केलों में से
जो दो हमारे हिस्से के हैं हमें ला दीजियो दीजियो, हम तो अभी ही खा लेते हैं, बाकी लोग जब आएंगे अपना अपना हिस्सा खाते रहेंगे। यहाँ तक ही पढ़ेंगे हम इसको। इसके शब्दार्थ हो गए हैं, नहीं हुए तो शब्दार्थ कर लेना। अभ्यास यानी सही विकल्प राइट का निशान लगाओ, ये भी हमारा हो गया था 17 तारीख को, लेकिन नहीं हुए तो देख लेना। पहले में उत्तर जैसे प्रश्न है, मीन मुंशी साहब की पत्नी को था क्या था, बुखार, बुखार लिखोगे इसमें। दूसरा, बिंदु को बाजार भेजकर पैसे की इमली मंगाई, कितने पैसे की, 2 पैसे की। फिर तीन, तीसरा है दरवाजे पर एक खाली जगह ने आवाज़ लगाई, किसने, फल वाले ने। चौथा है चचा ने जवाब में आंखें फाड़कर को घूरा, किसको घूरा, बिंदु को, ये हो गया। फिर दूसरा, इस स्थानों की पूर्ति कीजिए, बाहर निकलना, खाली जगह ना मालूम होता, यानी युक्तिपूर्ण। दूसरा है हम तो इन लोगों से खाली जगह से वाकिफ हैं, यानी नस नस से। तीसरा है बिंदु ने उठकर केले ला दिए, कितने, 2 केले ला दिए। तीसरा है काट छाट का खाली जगह खत्म हुआ झगड़ा। पांचवा है खाली जगह से वे, पांचवा है खाली जगह से वे हैं तो तकल्लुफ नहीं करते, यानी आराम से वे हैं तो तकल्लुफ नहीं करते। पहली खाली जगह युक्तिपूर्ण, दूसरी में नस नस, तीसरी में 2, 4 में झगड़ा, 5 में आराम। ये तो हमारे 17 तारीख के थे, जिसके नहीं किए हैं वो कर लेना। और अब है शब्द बोर्ड, क्या है शब्द बोर्ड, शब्द बोध का है पहला क्वेश्चन, पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको वाक्य में प्रयोग करना है, ये आपको करना है। इसकी फोटो भेज दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के बे उपसर्ग ब ई प्रत्यय लगा प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने हैं आपको। फिर है फिफ्थ नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन, कह ये एक और दो, फिर खय सहज ही इस हम बातचीत में न जाने कितने मुहावरों का प्रयोग कर जाते हैं। इस पाठ में आए इन मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी इन मुहावरों का अर्थ बताना है। अर्थ बताने के बाद में आपको एक लाइन बनानी है, उसकी लाइन लिखनी है। जैसे गर्म होना यानी गुस्सा होना, दीपक की मम्मी बात बात पर गर्म हो जाती है, आपको अपनी मर्जी से कोई भी लाइन लिखनी है। ये एक ये सिर्फ क का ही एक दूसरा है, फिर क, ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कॉपी में करना है। और सोमवार और गुरुवार को आप अपनी को नोटबुक को चेक करवा देना।